और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भाषा विवाद के बीच अब महेश बाबू ने बॉलीवुड को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। महेश ने कहा कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, लिहाजा वो हिंदी फिल्मों में काम करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। इसके साथ ही महेश ने कहा कि उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मान सम्मान मिला है, इसलिए वो कभी भी इस इंडस्ट्री को छोड़ने की नहीं सोच सकते। इसके आगे महेश ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उनका मकसद खुद को पैन इंडिया स्टार के रूप में पेश करना नहीं, बल्कि साउथ की फिल्मों को पूरे इंडिया में सक्सेसफुल बनाने का है। आपको बता दें कि महेश हमेशा से तेलुगु फिल्मों में काम करना चाहते थे और उसे पूरे भारत के लोगों को दिखाना चाहते थे, और अब ऐसा जब होने लगा है तो महेश फिल्म इंडस्ट्री को चेंज करने की सोच भी नहीं सकते। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि महेश बाबू ने सिनेमा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म साल 1983 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने साल 1999 में बतौर लीड एक्टर काम किया था। इसके अलावा महेश एक फिल्म के लिए 55 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं, जबकि एक विज्ञापन के लिए भी कई करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क, नमन सत्य न्यूज़।